नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कश्मीर से हिंदुओं के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का भारत ही नहीं पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। कनाडा में जहां इस फिल्म के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग दिखाई जा रही है, तो वहीं पीएम मोदी के साथ साथ भारत के भी कट्टर समर्थक माने जाने वाले ऑस्ट्रेलिया के मुस्लिम धर्मगुरु इमाम मोहम्मद ताहिदी भी इस फिल्म के समर्थन में खुलकर उतर गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले इमाम मोहम्मद ताहिदी भारत से जुड़े मुद्दों पर अक्सर बेबाक बयान देते रहते हैं, खासकर बात जब पाकिस्तान और कश्मीर से जुड़ी हो तो वो इन मुद्दों पर बोलने में एक पल भी नहीं गंवाते हैं और खुलकर मोदी सरकार के समर्थन में उतर जाते हैं। इस बार भी जब देश में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को दिखाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स आई, तो मुस्लिम धर्मगुरु इमाम मोहम्मद ताहिदी खुलकर इस फिल्म के समर्थन में उतर आए। उन्होंने एक ट्वीट में बस इतना ही लिखा, कश्मीर फाइल्स। उनके इस ट्वीट ने ही बाकी का काम कर दिया, क्योंकि कश्मीर फाइल्स लिखते ही इमाम मोहम्मद ताहिदी के 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर तक ये बात पहुंच गई कि उन्होंने कश्मीर फाइल्स का समर्थन किया है। और इस तरह से उन्होंने कश्मीर फाइल्स का समर्थन भी कर दिया। इमाम मोहम्मद ताहिदी के इस ट्वीट पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा, डियर इमाम, प्लीज अगर संभव हो तो इस फिल्म को अपने इमाम काउंसिल को दिखाएं। फिल्म सख्त है, लेकिन कभी कभी इलाज के लिए कड़ी दवा की जरूरत होती है। अलकमर आफताबे हिंद नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, हर किसी को इस फिल्म को देखना चाहिए, सच्चाई को जानना चाहिए और 32 साल से निर्वासन की जिंदगी जी रहे कश्मीरी हिंदुओं का समर्थन करना चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, थैंक्स इमाम, क्या आपने ये फिल्म देखी? एक कश्मीरी हिंदू के नाते मुझे अच्छा लगेगा अगर आप भी इसे दुनिया के साथ शेयर करेंगे। ट्विटर यूजर हर्षिता सही ने लिखा, द कश्मीर फाइल्स के समर्थन के लिए धन्यवाद इमाम जी। एक यूजर ने इमाम मोहम्मद ताहिदी से कहा, सर अगर आपको मौका मिले तो प्लीज एक बार इस फिल्म को जरूर देखें। ऑस्ट्रेलियाई इमाम मोहम्मद ताहिदी ने जब से अपने ट्विटर पर द कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया है, तो इमाम के इस ट्वीट के बाद कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी उनकी एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, राइट टू जस्टिस। इस वीडियो में इमाम मोहम्मद ताहिदी ने कहा, मेरा ये मानना है कि कश्मीर हिंदुओं की जमीन है और मेरे इस बयान के लिए आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मोदी ने पैसा दिया है, क्योंकि ये बात मैं भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में कह सकता हूँ। सोशल मीडिया पर लोग उनकी कुछ इसी तरीके से तारीफ कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, इमाम मोहम्मद ताहिदी इससे पहले कश्मीर से जब साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तब भी एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था, कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होगा। पाकिस्तान और कश्मीर दोनों भारत के हैं। हिंदुओं के इस्लाम में परिवर्तित हो जाने से यह तथ्य नहीं बदलेगा कि पूरा क्षेत्र हिंदू भूमि है। पाकिस्तान की क्या बात करना, भारत इस्लाम से भी पुराना है। मोदी सरकार के समर्थन में खुलकर बोलने वाले इमाम मोहम्मद ताहिदी ने इससे पहले नागरिकता संशोधन कानून का भी समर्थन किया था। बहरहाल इन सब के बीच आपको बता दें, द कश्मीर फाइल्स का समर्थन करने वाले मुस्लिम धर्मगुरु इमाम मोहम्मद ताहिदी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ठीक एक दिन पहले 15 मार्च को पीएम मोदी ने बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में द कश्मीर फाइल्स की खूब तारीफ की। इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना, इसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्यों का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है। आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में, सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती, तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना, कोई फिल्म नहीं बना पाया।
क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास किया। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश, कभी कभी उसमें से भी तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा कर, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से, और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्टर्डिंग करने के लिए बड़ा मुहिम चलाया। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है, मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि फिल्म ठीक नहीं हुआ अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है, लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी कोशिशें लग गई है, पूरी कोशिशें लग गई। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी है, और ये जिम्मेवारी आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना, मतलब किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्य का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व है। आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला तब जाकर के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑपरेशन की बात, फ्रीडम एक्सप्रेशन की बात करते, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है, कैसे भूल सकता है देश, कभी कभी उसमें से भी तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा कर,